दोस्तों इस वीडियो में हम पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे। तो ये देखिए, ये है मेरा पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड और जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो ये कार्ड मेरे एड्रेस पे 10 दिन के अंदर बन के आ गया था। तो अगर आप पतंजलि प्रोडक्ट कैश खरीदते हैं, कैश नगद पैसा देकर खरीदते हैं, तो वैसे ना खरीदिए, बल्कि वही पैसा इस कार्ड में डालिए और फिर इस कार्ड से खरीदारी करिए, तो फिर इसमें आपको बहुत सारे कैशबैक और छूट मिलते रहते हैं। अब इस कार्ड में हमें पहले पैसे को ऐड करना होता है और फिर इसी कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप पतंजलि स्टोर में भी जाके इस कार्ड के जरिए खरीदारी कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर मी, पतंजलि का जो ऐप है ऑर्डर मी ऐप, उस पे भी खरीदारी करके इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पतंजलि के वेबसाइट जो है पतंजलि आयुर्वेद.net उस पे भी जाके प्रोडक्ट को खरीद के इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म को भर के सबमिट करना होता है और फिर 10 या 15 दिन के अंदर ये कार्ड बन के आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड के लिए हम अपने मोबाइल से ही अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे ये जो ट्रिपल डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है तो इस डब्बे पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा ब्राउज़र अभी डेस्कटॉप मोड में हो चुका है। अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे swadeshisamriddhi.com। तो देखिए इस तरीके से आपको टाइप करना है swadeshisamriddhi.com और इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे और इसे सर्च करेंगे तो ये साइट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये साइट ओपन होते ही एक ये पॉपअप आता है, ये जो पॉपअप है, जब तक इस पॉपअप को हटाएंगे नहीं तब तक आप इस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पे क्लोज का बटन है, इसी क्लोज पर क्लिक कर देना है तो ये पॉपअप जो है हट जाएगा। अभी हमें अपना कार्ड स्वदेशी समृद्धि कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है बाई योर कार्ड, तो इसी बाई योर कार्ड के बटन पर क्लिक करना है तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी हमें इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, ये देखिए ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म को मैं जूम कर रहा हूँ, इस फॉर्म को हमें पूरा भरना है, इसको जूम करके भरा करके बता रहा हूँ कौन कौन सी जानकारी भरना है। सबसे ऊपर आपको अपना पहला नाम भरना है, फिर दूसरा नाम भरना है, इसके बाद अपना जन्म तिथि और इसके बाद लिंग का चयन करेंगे, जेंडर, और इसके बाद यहाँ पर आप अपना पिता का या फिर पति का नाम डालेंगे, इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे और फिर आप अपना सिटी डालेंगे और इसके बाद नीचे पिन कोड डालेंगे और फिर आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे रेफरल कोड डालना है। तो देखिए रेफरल कोड स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये रेफरल कोड है DBCD18B9, इसको टाइप कर देना है और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर नॉमिनी नेम डालना है। तो नॉमिनी नेम में उदाहरण के लिए अगर आप माता जी का नाम यहाँ पर डालते हैं तो फिर यहाँ पे चुनेंगे कि वो नॉमिनी आपके कौन है, माता है या पिता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे बाएं साइड में हमें 100 रुपये का भुगतान करना होगा। तो ये फॉर्म भरने के बाद इधर बाएं साइड में यहाँ भुगतान करें के बटन पे क्लिक करना है और फिर 100 रुपये का भुगतान करना है क्योंकि इस कार्ड के लिए 100 रुपये का चार्ज लगता है। तो चलिए मैं इसे इस फॉर्म को भर लेता हूँ, उसके बाद फिर भुगतान करें के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने इस फॉर्म को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भर लिया है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, रेफरल कोड में ये रेफरल कोड डालना है DBCD18B9, इसके बाद मैंने यहाँ पे नॉमिनी नेम डाल दिया और फिर रिलेशन में सन डाल दिया। अब हमें दाहिने साइड में भुगतान के बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये देखिए भुगतान के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमें यहाँ पे करना होगा 100 रुपये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट इन ऑप्शन टू पे 100 रुपये। तो अगर आप अपना पेटीएम से इसमें पे करना चाहते हैं तो फिर आप अपना पेटीएम नंबर यहाँ पे डालेंगे और फिर नीचे यहाँ पे प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर पेटीएम में लॉगिन करके 100 रुपये पे कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड से 100 रुपये पे करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर प्रीपेड डेबिट कार्ड लिखा हुआ है तो इसी के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालना है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, डेबिट कार्ड है तो फिर डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालेंगे और फिर CVV डालने के बाद यहाँ पे पे के बटन पे क्लिक करेंगे
तो चलिए मैं अपना कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कार्ड का डिटेल्स डाल लिया है। अब मैं पे के बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP आया है। इस OTP को यहाँ पे डालना है, तो मैंने OTP डाल दिया। अभी हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे अकाउंट से 100 रुपये कट जाएगा और फिर कार्ड के लिए अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा कार्ड के लिए अप्लीकेशन जो हमने सबमिट किया था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे हमें एक ट्रांजैक्शन नंबर मिला है, इसको हम नोट करके रख लेंगे। और ये कार्ड 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अभी हमें एक टोल फ्री नंबर है पतंजलि का, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 1-860-1800-180। इस नंबर पे कॉल करके और जो हमारा वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर मिला है उसको हम बताएंगे, तो फिर वो इसका स्टेटस बता देंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है। और फिर जब आपके एड्रेस पे ये कार्ड आ जाएगा तो फिर आप इस कार्ड को लेकर के और अपना पतंजलि स्टोर में जाएंगे और फिर वहाँ पे इसे एक्टिवेट करा लेंगे, या फिर हमने जो अभी पतंजलि का टोल फ्री नंबर बताया उस पे कॉल करके भी आप इसे एक्टिवेट करा सकते हैं। और आपको इस कार्ड में शुरुआती में 500 रुपये ऐड करना होगा, 500 या फिर इससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप इस कार्ड के द्वारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक दिक्कत और होता है, अगर आपने अपना एड्रेस पे मंगाने के लिए इस कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया है जैसे मैंने वीडियो में बताया और आपके एड्रेस पे पतंजलि का डिलीवरी का सुविधा नहीं है तो फिर वो उसे कैंसिल कर देंगे और आपके पैसे को रिफंड कर देंगे। अब देखिए मैंने एक अपने रिश्तेदार के लिए दूसरे एड्रेस पे मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो जिस दिन अप्लाई किया उसके अगले दिन उन्होंने ये 100 रुपये वापस कर दिया, ये क्रेडिट किया हुआ है 100 रुपये और ये पतंजलि से आया हुआ है रिफंड के रूप में, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफंड। तो ये 100 रुपये 47 पैसा जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरे अकाउंट से कटा था और उसके अगले दिन उन लोगों ने 100 रुपये वापस कर दिया, यानी कि वो कार्ड नहीं भेजेंगे उस एड्रेस पे, पतंजलि के डिलीवरी की सुविधा नहीं है। तो आप भी जब अप्लाई करेंगे और डिलीवरी की सुविधा होगा तब तो वो कार्ड आपके एड्रेस पे भेज देंगे, और सुविधा नहीं होगा तो फिर वो आपके पैसे को रिफंड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर और फिर उस कार्ड को कैंसिल कर देंगे, फिर आपको पतंजलि स्टोर में ही जाके इस कार्ड को बनवाना होगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं।